हाँ जी तो ग्रेट सिक्स आज हम बात करने वाले हैं एक पोइट्री के बारे में इससे पहले कि मैं पोएट्री के बारे में आपको बताऊं एक बात मैं आपको बताती चलूं बच्चों हमने लेसन नंबर में ये पढ़ा था कि तो हम बात करेंगे जर्नीज के बारे में हम पढ़ेंगे सफरनामे हम देखेंगे कि लोग किस तरह ट्रैवल करते हैं किस वजह से ट्रैवल करते हैं मतलब क्या रीजन होता है क्या वजह होती है कि उनको एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है तो इन तमाम सफर नामों के बारे में आज हमने पढ़ना है और देखना है कि कौन किस वजह से ट्रैवल कर रहा है किस वजह से सफर कर रहा है ठीक है आज की जो ये पोएट्री है ये भी एक सफरनामा है और ये ऐसा सफरनामा है जो कि हमने पढ़ना है एक लड़की जो कि हमारी है है आज की उनका नाम है मुनीजा अलवी ठीक है मुनीजा अपने बारे में एक पोएट्री में बताती हैं एक उन्होंने पोम लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो किस तरह से पाकिस्तान को छोड़ के जब वो बहुत छोटी थी इंग्लैंड में आ गई उसके बाद उन्होंने इस ट्रैवल को क्या कहा है और ट्रैवल करने को पाकिस्तान से इंग्लैंड ट्रैवल करने को कहा है कि पाकिस्तान इज माई कंट्री एट शोल्डर यानी पाकिस्तान मेरा एक ऐसा मुल्क है जिसको मैं हर वक्त अपने कंधे पे फखर से रखती हूँ ठीक है ये जो फ्रेज इस्तेमाल किया गया है कंट्री एट शोल्डर इसका मतलब है कि मैं अपने कंधों पे पाकिस्तान को रखती हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूं कि मेरा प्राइड मेरा फखर क्या है मेरा पाकिस्तान जहां मैं पैदा हुई थी जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है अच्छा तो ये सारी जो पोएट्री के अंदर जितनी भी डिस्कशन मिस मुनीजा ने की है आज हम उसको पढ़ने वाले हैं हम ये देखेंगे कि किस तरह मिस मुनीजा ने कल्चर यानी के पाकिस्तान की सकाफत से निकल के इंग्लैंड की सकाफत को वहां की चीजें वहां के तौर तरीके वहां के कपड़े कैसे अपनाए ठीक है इस पोएट्री का टाइटल है प्रेजेंस फ्रॉम माई आंस इन पाकिस्तान यानी मिस मुनीजा की क्या है आंट आन, कुछ आंटी यानी जिसको हम कहते हैं कुछ रिश्तेदार वो कहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से उनको कुछ तोहफे भेज रही है अब वो तोहफे किस तरह के हैं ज्यादातर वो तोहफे कपड़ों की सूरत में भेजे हैं ठीक है तो जितने भी कपड़े उन्होंने पाकिस्तान लाहौर से उनको भेजे हैं वो उनके बारे में बता रही हैं कि जब उन्होंने वो कपड़े वहां पर इंग्लैंड में पहने तो इंग्लैंड के जो उनके स्कूल फेलोज थे यानी उनके स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त उनकी फैमिली के यानी खानदान के और बाकी रिश्तेदारों ने उन लाहौरी या पाकिस्तानी कपड़ों पे क्या कमेंट्स किए किस तरह की बातें की और उस सब ने मिस मुनीजा को क्या फील करवाया ठीक है ये सारी बातें हमने आज इस में पढ़नी है बच्चों इस पोट्री को पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर वोकैबलरी लिख दी है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इस पोयट्री के अंदर इस पोम के अंदर जो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़े मुश्किल होंगे कोई घबराने की बात नहीं है मैंने उन सारे लफ्जों को यहाँ पर लिख के उनके साथ उनके उर्दू मीनिंग्स भी लिखे हैं और इंग्लिश में भी उनको लिख दिया है तो हम मिलके इन वोकेबलरी के वर्ड्स को पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको टाइम दूंगी और आप जाके पढ़ने वाले हैं उस पोएट्री को ठीक है बच्चों अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको देख लें ग्लिसनिंग हमने ये वर्ड पढ़ा है ग्लिसनिंग टी जो है वो क्या है साइलेंट तो वर्ड है ग्लिसनिंग यानी चमकदार जिसका मतलब है शाइनी ओके सेकेंड वर्ड कॉर आपने इस लफ्स को बहुत दफा पढ़ा होगा कॉर्ड रॉय की पैंट्स वगैरह या ट्राउजर्स वगैरह आपने देखे होंगे आपके घर में आपके बाबा आपके भाई या खुद आपने भी ये पैंट्स या ये कपड़ा अपने घर में देखा होगा तो कॉर्ड रॉय कैसा कपड़ा होता है मोटा धारीदार कपड़ा जिसको कहा जाता है कॉटन फैब्रिक कॉटन होती है लेकिन बहुत मोटी होती है और उस पर सिलवटे होती है ठीक है अच्छा थर्ड वन क्लंग टू चिमटे हुए स्टक ऑन टू कोई चीज जब किसी दूसरी चीज के साथ क्या करती है चिपक जाती है जिसको आप चिमटा हुआ या चिमट जाती है के नाम से भी जानते हैं इसका मतलब है ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं आ रही लेकिन वो अगर आपकी बॉडी के साथ लग गई है तो हम कहते हैं कि चिमट गई है ठीक है तो इस तरह का ये फ्रेज यहां यूज किया गया है कपड़ों के लिए ठीक हो गया ओके अफ्लेम अफ्लेम जलती हुई इन बर्निंग ऐसी चीज जो जल रही है यानी ऐसी फीलिंग दे रही है अगर मैं ये कहूं कि कोई एक ऐसे कपड़े आप पहन ले जो आपको पसंद नहीं है आपको लगेगा कि वो आपकी बॉडी को फ्लेम कर रहे हैं यानी जला रहे हैं यू फील लाइक बर्निंग योर सेल्फ आपको लगेगा कि आपका जिसम जल रहा है तो इस फीलिंग को लिखा गया है अफ्लेम डैंगलिंग डैंगलिंग लटकते हुए हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली तो ये जो वर्ड लूजली है ये हमें बता रहा है कि कोई चीज हैंग कर रही है स्विंग यानी झूल रही है लेकिन कैसे लूजली हल्के तरीके से आराम से लूज टाइट नहीं वेरी लूज स्लो स्लो ठीक है अच्छा जी यहाँ तक आपको इतनी वोकेबुलरी समझ आ गई है ओके आइए बाकी की वोकेबुलरी को देखते हैं हां जी बाकी के वर्ड्स को पढ़ते हैं नंबर सिक्स फिलिग्री जिसका मतलब उर्दू में है जरदोजी और इसको इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है ऑर्नामेंट वर्क ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड आपने देखा होगा कि फीमेल्स के या लड़कियों के या लेडीज के कपड़ों के ऊपर सिल्वर और गोल्डन इस तरह की कढ़ाई और काम किया जाता है उसको कहा जाता है जरदोजी ठीक है आपने कुछ वर्ड सुने होंगे तिल्ला नग नक्शी दबकी ये सारे लफ्स क्या है ये ऑर्नमेंट हैं किस चीज के एम्ब्रॉयडरी के साथ जो फीमेल के ड्रेसेस के ऊपर यानी औरतों के कपड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं आपने ये काम अपने घर में अपनी वालदा के अपनी मदर के और अपने घर में जितनी भी खातन उनके कपड़ों के ऊपर देखा होगा तो ये उन्हीं को कहा जा रहा है फ्लिकरी, ठीक है नेक्स्ट वर्ड मिनी एच ठीक है इस वर्ड को आपने ऐसे पढ़ना है मिनी का मतलब है छोटे कोई भी चीज अगर आपको बड़े साइज में ओरिजिनली मिलती है अगर मैं कहूँ कि एक बस बस का साइज बहुत बड़ा होता है लेकिन उसी बस को अगर हम कहें इतनी छोटी सी बस अगर हमें मिल जाती है जैसी बड़ी है वैसी ही छोटी सी एक तो हम कहते हैं कि कि ये बस का मिनिएचर है यानी वेरी स्मॉल ऑफ इट्स काइंड किसी ओरिजिनल चीज का बहुत छोटा सा कोई साइज बनाया जाता है किस लिए डेकोरेशन के लिए टेस्टर वगैरह के लिए तो उसको कहते हैं मिनिएचर ठीक है अच्छा जी ओके नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब मुखालफत या तनाजा किसी चीज के बारे में ओपोज करना मुखालफत करना किसी चीज के बारे में आपका एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाना इसका मतलब है किसी चीज पे दूसरे के साथ किसी बात पे आपका तनाजा है आप मान नहीं रहे अग्रीमेंट नहीं हो रहा ठीक है इसको कहा जाता है फाइट बैटल अपोजिशन तीनों लव्ज इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं नेक्स्ट वर्डिंग Throbbing means, जोर से धड़कना causing pain in a series, मतलब किसी चीज़ का। अगर मैं कहूं आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है तो हम कहते हैं मतलब तेजी से धड़क रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे सीने से निकल के बाहर आ जाएगा इडियोमेटिक फ्रेज है idioms की तरह बोल रहे हैं हम महावरतन कह रहे हैं तो इस बात का मतलब यह है थ्रोबिंग का एक ऐसा एड्जेक्टिव है जो कहां इस्तेमाल किया जाता है जब आप कहते हैं कोई चीज बहुत तकलीफ दे है जैसे बहुत ज्यादा तेजी से तकलीफ दे अमल के साथ दिल का धड़कना ओके नेक्स्ट इज न्यूज प्रिंट न्यूज प्रिंट जैसा कि आपको इस नाम से ही पता चल रहा है न्यूज यानी अखबार यानी खबर अखबार का कागज लो कॉस्ट नॉन आर्काइवल पेपर नॉन आर्काइवल मीन ऐसा पेपर जिसको आप सेव नहीं कर सकते या बहुत खाम पेपर बहुत लो मटेरियल लो कॉस्ट वाला पेपर ठीक है अखबार का कागज आपने देखा होगा उसको नॉर्मली रिसाइकल भी किया जाता है अखबार वाला कागज क्या होता है आप जिस पेपर के ऊपर कॉपीज में लिखते हैं या आपकी बुक का जो पेपर होता है वो उससे डिफरेंट होता है ना पतला सा हां जी तो उस पेपर को कहा जाता है न्यूज प्रिंट यानी अखबार का कागज बहुत पुराना सा ओके फ्रेट वर्क लकड़ी के कटाव ऑर्नामेंटल डिजाइन इन वुड जिस तरह हमने बात की थी वुड कार्विंग की आपको याद है वुड कार्विंग अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी अपने घर के अंदर या किसी या किसी किसी रेस्टोरेंट में ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर जाके आपने लकड़ी का काम देखा हो जिसके अंदर कार्व किया जाता है डिजाइन बनाए जाते हैं तो उन कार्विंग्स को कहा जाता है फ्रेट वर्क ठीक है तो हमने बात की थी कि मिस मुनीजा जो है वो इन फ्रेटवर्क को क्या कर रही है याद कर रही है लाहौर के अंदर शालीमार गार्डन में जो फ्रेट वर्क हुए हुए हैं ठीक है थीके? उनके बारे में बात कर रही है तो बच्चों यहां तक जितने भी वो के ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट्स को चाहिए होंगे वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए थे और मैंने आपको वो सब बता भी दिए अब आपका काम यह है इस वीडियो को जल्दी से यहाँ पॉज करें और जाके उस पोएट्री की रीडिंग कर लें एक दफा उसको पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मिस मुनीजा अलवी क्या क्या सोच रही है और उनके जहन में क्या बातें आ रही हैं जब से वो इंग्लैंड आई हैं पाकिस्तान को छोड़ के मैं उम्मीद करती हूं बच्चों कि आप अभी तक इस पोएट्री को पढ़ चुके हैं क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन और जिन बच्चों ने अभी तक रीडिंग नहीं की उनको ये बात तो समझ आ जाएगी कि इन क्वेश्चन के आंसर आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप बिल्कुल रीडिंग नहीं करेंगे ओके जी इस काम को स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन हमें बताया क्या होती है जी रीडिंग फॉर इंटरप्रिटेशन मतलब ये कि एक दफा हमने रीड कर लिया कोई भी टेक्स्ट है कोई भी पोट्री है उसके बाद हमसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या हमने पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट या, या जितना भी मानी था क्या उसको इंटरप्रेट किया है समझा है क्या हम उसको रिटेल या दोबारा बता सकते हैं इसीलिए हमसे सवाल किए गए हैं अब यहाँ पर मैंने सारे सवाल नहीं लिखे मैंने सिर्फ एच ओ टी यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जिनको हम हॉट क्वेश्चन भी कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं उनके साथ मैंने आपको वोबलरी भी दी है कि आपने आंसर्स कैसे बनाने हैं तो आइए इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन टू से इन वट इन द फर्स्ट वर्स कंट्रास्ट विद द विदोद विच द पोएट वुड वेयर इन इंग्लैंड कितने तरीके से पाकिस्तानी क्लोथ जो हैं, यानी पाकिस्तान वाले कपड़े किस तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं किस तरीके से बताए गए हैं और उनका कंट्रास्ट यानी उनका क्या कंपैरिजन है क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं विद द क्लोथ्स द क्लो वुड वेयर इन इंग्लैंड वो जो कपड़े वो इंग्लैंड में पहना करती हैं उनका क्या कंपैरिजन है क्या मुकाबला है किन कपड़ों के साथ जो वो पाकिस्तान में छोड़ के आए हैं या जो पाकिस्तान से उनकी आंट यानी उनके रिश्तेदार उनको भेज रहे हैं तो यहाँ कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं पाकिस्तानी क्लोथ्स ब्रॉड स्टिफ

इस वर्ड्स वर्ड्स को को इन इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस में लिखनी है और है। और आंसर बनाना आई होप यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी जितने भी यहां पर के वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आपको पहले ही बता चुके हूँ बच्चों यहाँ क्वेश्चन टू तो खत्म हो गया अब मैं आपको बताऊंगी मजीद हमने कौन से क्वेश्चन करने हैं ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इन द सेकेंड वर्ड वाई डिड द पाकिस्तानी क्लोथ सीम एलियन इन दिटिंग रूम बात की जा रही है कि वो जो पाकिस्तानी कपड़े उनकी आंट ने उनको पाकिस्तान से भेजे थे वो कपड़े पहनकर सिटिंग रूम में यानी वो एरिया आपके घर का जहां पर सारे मिलके बैठते हैं जिसको आप नॉर्मली टीवी लाउंज भी कह सकते हैं ठीक है उस वहां पर बैठे हुए सारे लोगों में मिस मुनीजा ऐसी क्यों लग रही है जिनको क्या कहा गया है एलियन यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किसी और सियारे से किसी और प्लान से आई है ठीक है तो इस चीज को इतना ऑर्ड क्यों कहा जा रहा है इतना वियर्ड क्यों कहा जा रहा है ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि वो बहुत मुख्तलिफ लग रही है ठीक है इनको पढ़ लेते हैं बिकॉज नो वन एल्स वॉज वेयरिंग पाकिस्तानी क्लोथ वर वेरी शाइनी ग्लिसनिंग एंड डिफरेंट फ्रॉम द क्लोज ऑफ इंग्लैंड दे वर टू रिच इन कल्चर विथ शार्प कलर्स एंड वर्क ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर तो ये सारी बातें हमें क्या बता रही हैं कि जो पाकिस्तानी क्लोथ थे लाहौर से आए हुए क्लोथ थे या कपड़े थे वो क्या थे बहुत शाइनी थे शार्प कलर्स के थे टू रिच इन कल्चर थे इसीलिए वो क्या लग रहे थे एलियन लग रहे थे क्योंकि वहां इंग्लैंड में उनके रिलेटिव ने उनके रिश्तेदारों ने या उनके घर के बाकी अफराद ने क्या पहना हुआ था इंग्लैंड के क्लोथ जिनको हमने कहा है कि रॉय था ठीक है ठीक हो गया यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स फोर्थ डिड द पोएट स्कूल फ्रेंड थिंक ऑफ द पाकिस्तानी क्या महसूस किया था या क्या सोचा था कि के पाकिस्तानी कपड़े कैसे हैं तो आइए इसको देखते हैं द क्लोथ डिड नॉट इम्प्रेस एनी ऑफ हर स्कूल फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर द वीक द शलवार कमीज दोबारा गोल्ड एंड सिल्वर तो यह बात समझ आ गई कि उनके कपड़े उनकी शलवार कमीज डिड नॉट इम्प्रेस हर फ्रेंड्स ओके क्वेश्चन सेवन इन फोर्थ वर्स वज दॉ ट्राई टू सी इन लिटल ग्लास मिरर सियोन ऑन द पाकिस्तानी क्लोथ चौथी वर्ष में एक और बात बताई गई है इस बात के बाद कि ने क्या देखा लिटिल ग्लास मिरर वो जो छोटे छोटे ग्लास यानी शीशे जो उनके कपड़ों के अंदर सिले हुए थे सुन मतलब सिले हुए ऑन द पाकिस्तानी क्लोज वो पाकिस्तानी कपड़ों के ऊपर जो शीशे लगे हुए थे वो कैसे लग रहे थे पोइट ने उनमें क्या देखा था मिरर्स दोज मिरर्स had a glimpse yani jhalak of herself in glass circles about their journey how they sailed to england from pakistan and how she ended up in a cot cot कहते हैं बच्चों का झूला छोटा सा बेबी कॉट देखिए ना आपने तो इस बात का मतलब यह है फ्रेज का मतलब ये है कि पोएट्स जो हमारी है मिस मुनीजा वो कब आई थी इंग्लैंड जब वो बहुत छोटी थी एक बेबी कॉट में थी and she was playing with a tin boat यानी वो टिन की टिन कहते हैं स्टील का बारी बहुत पतला सा स्टील उसकी बोट यानी एक छोटी सी कश्ती यानी कि उसका क्या था ये टिन बोट था उनका टॉय उनका एक खिलौना था जिसके साथ वो खेल रही थी और एकदम से उनका मंजर बिल्कुल चेंज हो गया उनकी साइट चेंज हो गई क्योंकि वो अब पाकिस्तान में नहीं थी अब वो कहां थे इंग्लैंड में ठीक है बच्चों तक हमने ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया ओके okay, अब हम करने जा रहे हैं एक आखिरी क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर नाइन शी इमेज हर सेल्फ इन लाहौर टू वो अपने आप को लाहौर में भी इमेजिन करती है यानी वो दिमाग में ये सोच रही है कि मैं कभी लाहौर में होती हूँ दिमागी तौर पे लेकिन वो होती कहाँ है इंग्लैंड में okay. of no fixed जो क्या है फिक्स नहीं है पता नहीं चल रहा कि वो लाहौर से है पाकिस्तान से है उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या वो इंग्लैंड में रहती है तो उनको हम इंग्लिश कहें तो मिस मुनीजा जो है वो कन्फ्यूज है उनके जहन में ये एक उलझन है

तो वहां पर कुछ साल रहने के बाद क्या मिल जाता है वहां की नेशनैलिटी मिल जाती है तो मिस मनीजा इस उलझन में है कि मेरी कोई फिक्स फिक्सनैलिटी नहीं है मेरा दिल कहां है पाकिस्तान में लेकिन मैं कहा रहती हूं इंग्लैंड में तो मुझे यहाँ के लोग भी नहीं अपनाते और पाकिस्तान में जा नहीं सकती तो ये जो कंफ्यूजन उनके जहन में है ये जो उनके जहन में एक छोटा सा मसला है उसके बारे में पॉइंट हमें पूछ रहे हैं कि इस बात का क्या मतलब है हम लिखते हैं इसको शी मिसेस लाहौर because she was born there and she left or you can write she flew to england that does not feel like home that's why she says there is no fixed nationality for her theek hai yahan par maine sirf vocabulary likhi hai bachcho aapne answer khud se banane hain Thank you so much for watching today's lesson. आज यहाँ पर हमारा unit number टेन भी complete होता है बच्चों इसके बाद अब हम मिलेंगे कुछ नए video lessons के साथ जहाँ हम करने जा रहे हैं मजीद कुछ राइटिंग का पोएट्री का और रीडिंग का टास्क तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए काम करते रहिए अल्लाह हाफिज़